अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ्रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें यानी कंसेप्ट टू लर्निंग को स्टडी मटेरियल आपको इधर ही मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करना। इससे ये होता है कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हमने ये सीरीज़ में काम चल रहा है, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी देख लें, ताकि आपको इसको ना समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैं प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने स्टार्ट किए हुए हैं उसमें। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर नंबर, उससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें नाउन पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था जेंडर के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा हिस्सा है, वो है प्रोनाउन का, और उसकी काइंड्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ए वर्ड दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन को जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब ही शी इट दे यू इट, ये सारी किस्में आ जाते हैं प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसमें इसकी काइंड्स देख लेते हैं। मसलन मैंने इसकी मिसाल में क्या, मसलन अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। तो मैं कहता हूँ अली, अली की जगह मैं यूज़ करता हूँ ही इज़ अ बॉय, ही एक लड़का है। ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है जो जो आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सबसे पहले हमारे पास काइंड्स में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या कौन से होते हैं? ए पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। ये किसी किसके जगह इस्तेमाल होता है? किसी भी शख्स के या किसी चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। मसलन ही दे आई इट वी यू। ठीक है, वी कैन डिस्टिंग्विश दी टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें हमारे पास दो पर्सनल प्रोनाउन आ सकते हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन के, पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन्स और पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट फॉर्म देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। यानी आई मी यू, ये क्या सब्जेक्टिव सब्जेक्ट फॉर्म है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन के। तो इसमें सब्जेक्ट में आ जाते हैं आई यू ही शी इट वी यू दे, और इनके यही ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। मी यू हिम हर, इट के लिए इट ही रहेगा, वी के लिए अस रहेगा, यू के लिए यू ही रहेगा, और दे के लिए क्या रहेगा? दैम हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? वी यूज़ द प्रोनाउन पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन टू रेफर द टू द पर्सन हु इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब और द वर्ब स्पीक अबाउट। तो पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है? जो कि किसी फिक्रे में काम करने वाला होता है ना बंदा, जो काम बंदा कर रहा है उसको जाहिर करता है, या फिर जो वर्ब होता है ना जिसके बारे में बता रहा होता है ना वो होता है। ठीक है, यानी काम करने वाले, एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट इसमें कहते हैं। ए सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यही बताता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, यानी काम करने वाला कौन है। मसलन ही लिसन्स टू मी, वो मुझे सुनता है। अब सुन कौन रहा है? ये सुन रहा है ना, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमें बताता है। दे प्ले क्रिकेट डेली, वो रोज़ाना खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें ये जो दे है ये बता रहा है, ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये बंदे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, दे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसके बाद आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? वी यूज़ द पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टू रेफर टू द पर्सन हुम द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स। एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी जिसके ऊपर काम होता है ना उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपली आप क्या लें कि किसी फिक्रे में जिस चीज़ के ऊपर या जिस शख्स के ऊपर काम हो रहा है ना उसको हम कहते हैं क्या है? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मसलन आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। वी ऑलवेज हेल्प देम, हम उनकी हमेशा मदद करते हैं। अब काम उन पर हो रहा है, ठीक है। इस तरह ही विल इन्वाइट यू, काम जिस पे काम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, ये हमारे पास थी किसकी काइंड थी? ये पर्सनल प्रोनाउन की दोनों। नेक्स्ट इसमें जो दूसरी मेन काइंड है वो है पोजेसिव
प्रोनाउन पोजेशन को शो करने के लिए हमारे, यानी कि मलकियत को शो करने के लिए। ए प्रोनाउन डैट इज़ यूज टू शो द पोजेशन ओवर समथिंग इज़ कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, किसी भी चीज़ की मलकियत को साइड करने के लिए। मसलन ये चीज़ मेरी है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ देयर प्लेस टू सिट, ठीक है, दिस इज़ आवर कंट्री, इस तरह करके हो सकते हैं। सर्टेन पर्सनल प्रोनाउंस कॉल पोजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप, सम आर यूज अलोन, सम डिस्क्राइब ए नाउन, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आ सकते हैं, तो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, मसलन ये ऊपर मैंने मिसाल दिया, और प्लूरल भी इसमें हो सकता है, या फिर नाउन को भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अब इसमें देखें ज़रा, ये है यूज्ड अलोन, जब अकेले खाली पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दैट कंप्यूटर इज माइन। अब इसमें बस ये ना पर्सन, ये जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है ना पोजेसिव, ये हर्ज, ये बस अकेला यूज़ हो रहा है। इस तरह दिस कंप्यूटर इज माइन, इसमें माइन अकेला यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको मॉडिफाई फॉर्म में देखें, मसलन दिस इज डैट इज़ हर कंप्यूटर, अभी ये नाउन इसके साथ आ रहा है, इस पोजेसिव प्रोनाउन के साथ। इस तरह दिस इज माई कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर इस माई पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आ रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास नंबर थ्री में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इज यूज टू पॉइंट आउट ए नाउन और नाउन्स, ये पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। मसलन प्रोनाउन के आगे हूँ किसी एक शख्स को या एक से ज़्यादा शख्स को, या एक जगह को या ऐसे एक से ज़्यादा जगह को। मसलन मैं कहता हूँ दिस वन इज़ द, दिस मैन यू आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ द मैन यू आर लुकिंग फॉर, ये पॉइंट आउट करना है, ठीक है। अली रोट दैट, अली ने लिखा, ठीक है। अब ये दैट क्या बता रहा है, उस लिखी हुई चीज़ के बारे में बता रहा है। दीज लुक गुड, अब ये दीज क्या है, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि दीज लुक गुड, ये अच्छी दिख रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू कनेक्ट ए सबॉर्डिनेट क्लाज टू द मेन क्लाज एंड सर्व एज अ कंजंक्शन आल्सो। तो इसके लिए ज़रा आपको पता होना चाहिए सबॉर्डिनेट क्लाज कौन सी होती है, मेन क्लाज कौन सी होती है। तो उनके दो क्लाजेस को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना वर्ड, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इस ये इन दोनों के दरमियान क्या लें, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन हमने पढ़ा था जो कि दो सेंटेंसेस को मिलाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हु दैट देम, और सची हु दैट हुम दैट विच हु एवर, ठीक है, हुम एवर विच एवर वगैरह। मसलन ये पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बिलिंगुअल, वो लोग, अब इसमें देखें ना, ये देखें पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेज, अब ये देखें दो चीज शो कर रहा है, सबॉर्डिनेट क्लास को और मेन क्लास को ये ज्वाइन कर रहा है। इस तरह दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, जो कि मैंने खरीदी मार्केट से। अब ये भी ये क्या नाम है, वही कनेक्शन को शो कर रहा है ये भी, लेकिन है ये क्या प्रोनाउन है, लेकिन इसमें एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, ध्यान में रखना है। मसलन दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन डैट आई सॉ इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हैं इसमें, ठीक है, दो हमारे पास क्लाजेज आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ए प्रोनाउन डैट डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर नाउन बट रेफर्स टू अ अनस्पेसिफाइड नाउन और नाउन्स। मसलन पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं बताएगा, मसलन ही शी देम वगैरह नहीं वो कहेगा, ए फ्यू सम एनी सम वन, ठीक है, यानी कोई खास नहीं होगा, वो पर्टिकुलर नहीं होगा, वो अनस्पेसिफाइड होगा। अनस्पेसिफाइड का मतलब आप इसमें समझो, मैं अगर आपको कह दूं कि यार दो ना मुझे दो संतरे ला दो, ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफाइड। और अनस्पेसिफाइड में कहता हूँ मैं यार थोड़े से यार वो क्या नाम है सेब भी ला दो यार, ठीक है। या फिर आप घर वाले कहते हैं थोड़े कुछ थोड़े से चावल ले आना, ठीक है, थोड़ा पानी डाल दो। अब इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, वो इसमें उनको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये इसको देख लेते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम आर द एक्शन पासिस बैक टू द सब्जेक्ट। अब क्या नाम है,
इसमें यह कि काम करने वाला जो काम कर रहा है ना, वो काम उसके ऊपर उसी से रिलेटेड है। मसलन मैं कहता हूँ आई मेड ऑल दीज लेक्चर्स बाय माई सेल्फ, मैंने ये जो काम किया ये सारा खुद किया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में ही तो फिर शो हो रही है ना कि ये काम किसने किया, तो ये इसमें आ जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर सेल्व्स, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है। इसी तरह योर सेल्फ, ये इसमें आ जाती है चीज़ें। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिंगुलर, देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए माई सेल्फ, देखें आई टॉक टू माई सेल्फ वेन आई एम नर्वस आर एक्साइटेड, मैं अपने आप से बात करता हूँ। अब जो काम हुआ है ना वो उसी जो सब्जेक्ट के रिलेटेड बता रहा है। सेकेंड पर्सन में देखते हैं यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज, तुमने अपना हाथ काट दिया, अपने आप को काट दिया जब तुम टमाटर काट रहे थे। थर्ड पर्सन मेल के लिए क्या होगा, ही हर्ट हिम सेल्फ या फिर हर सेल्फ, यानी बेसिकली वही है जो काम हो रहा है ना, वो काम जो कर रहा है वो उसी को रिफ्लेक्स करेगा या उसी के बारे में बताएगा। क्या ये जो हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद नॉन पर्सन यानी इट सा इट सेल्फ इन द मिनर, ठीक है, ये हमारे पास नॉन पर्सन के लिए। नेक्स्ट इसमें प्लूरल के लिए देख लेते हैं, मसलन वी के लिए आवर सेल्व, यू के लिए योर सेल्व एक से ज़्यादा, और दे के लिए देम सेल्व्स, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज इन ऑर्डर टू इंडिकेट पर्सन आर थिंग्स म्यूचुअली अफेक्टेड, ठीक है। यानी दो इसमें अल्फाज होते हैं या ऐसा ये लफ्ज़ होता है जो कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अफेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। मसलन द स्टूडेंट्स इन द क्लास कोऑपरेट विद वन एन अदर, ये हमारे पास इसका क्या है रेसिप्रोकल, यानी एक दूसरे का उल्ट, वन एन अदर यानी एक का और दूसरे एक दूसरे के साथ वो हेल्प करते हैं, ईच अदर, ठीक है, फॉर वन एन अदर, ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अभी ये रेसिप्रोकल काम है, ये भी ख्याल रखता है और ये भी ख्याल रखता है, एक्शन और रिएक्शन वाला काम है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इंटेंसिव या एम्पैथिक प्रोनाउन, इसको एम्फैटिक शायद भी कह सकते हैं। अच्छा, एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंटेंसिफाई और एम्फेसाइज द प्रोसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। अब इसमें ये प्रोनाउन, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि किसी भी प्रोनाउन के बारे या नाउन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने यानी उनकी शिद्दत को ज़रा शो करते हैं। मसलन ये एग्जांपल है हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, यानी शी हर सेल्फ वॉन्टेड टू ज्वाइन द कंपनी, यानी एक तो ये था कि ही शी वॉन्टेड टू ज्वाइन द कंपनी, वो चाहती थी कि वो कंपनी ज्वाइन कर ले, ठीक है। मतलब लेकिन उसकी शिद्दत को क्या नाम है अगर जाहिर करते हैं तो वो कहते हैं शी हर सेल्फ, वो खुद चाहती थी उसकी शिद्दत को शो कर, ठीक है। इसी तरह वी आवर सेल्फ बिलीव दैट इज ट्रू, हमें खुद यकीन है कि ये चीज ये क्या है? सही है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सवालिया जो इस्तेमाल होता है, हु दे जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस तरह बाद इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या होते हैं। द प्रोनाउन्स ईच आइदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनको हैं क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। एंड दे डिनोट ऑल ऑफ द ऑफ ए क्लास टेकन सेपरेटली, मसलन ईच ऑफ देम हैज़ परफॉर्म्ड सेटिस्फैक्टोरीली। देखें अब दम भी तो एक प्रोनाउन है लेकिन ये इन सब प्रोनाउन के बारे में ही बता रहा है, जिक्र कर रहा है, ऐसा ये प्रोनाउन है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी अब उनको ना तकसीम करके बता रहा है, मतलब इसने खाली दम नहीं, इसने कहा ईच ऑफ देम इन सब में से लोगों ने क्या किया, अच्छा काम किया। इस तरह आइदर ऑफ टू पेंसिल्स विल डू, ठीक है। अब इसमें दो प्रोनाउन हैं लेकिन हमारे टू है ना, टू दो क्वांटिटी पेंसिल, दो हमारे पास नाउन है, तो उनमें से क्या उनको रिलेट कर रहा है एक के साथ, ठीक है। इसके बाद नीदर ऑफ देम केम, उनमें से कोई भी नहीं आया,
ठीक है, तो इसमें यानी कलेक्टिवली चीज़ों में चीज़ें होंगी, लेकिन उनमें से वो स्पेसिफिकली उनको सेपरेटली वो अलहदा कर देगा। ठीक है, तो यही था इस लेक्चर के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।